7.2.5 परिवहन तंत्र में हृदय की भूमिका, रोल ऑफ हार्ट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मनुष्य और अन्य स्तनधारियों का हृदय सुदृढ़ मांसपेशियों से बना एक पंप है। हमारी मुट्ठी जितने बड़े आकार के इस अंग से दिन भर में लगभग 7000 लीटर रक्त पंप होता है। 4.7 से 5.5 लीटर रक्त दिन भर में लगभग 1500 बार हृदय से गुजरता है। हृदय के 4 मुख्य प्रकोष्ठ हैं। ऊपरी 2 प्रकोष्ठों को आलिंद ऑरिकल और निचले 2 प्रकोष्ठों को निलय वेंट्रिकल कहा जाता है। हृदय के दाएं भाग का संपर्क बाएं भाग से नहीं होता। दायां आलिंद व दायां निलय, बायां आलिंद व बायां निलय रक्त की नलियों और हृदय के प्रकोष्ठों के बीच वॉल्व होते हैं। इससे रक्त का उल्टा प्रवाह नहीं होता। हृदय के दाएं प्रकोष्ठों में ऑक्सीजन रहित रक्त और बाएं में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। हृदय के आलिंदों का संकुचन एक साथ एवं निलयों का एक साथ होता है। आलिंदों में संकुचन से रक्त निलयों में भरता है। निलयों के संकुचन से रक्त का बहाव हृदय से बाहर की तरफ होता है। साथ ही आलिंदों में शरीर के विभिन्न भागों से रक्त भरता है। हृदय का कार्य मस्तिष्क से आने वाली तथा इसकी अपनी तंत्रिकाओं की एक विशेष व्यवस्था से नियंत्रित होता है। क्या आप जानते हैं, हृदय की तंत्रिकाओं की विशेष व्यवस्था को हम शिरा आलिंद गांठ साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। यह यदि काम करने में अक्षम हो जाए तो कृत्रिम रूप से इस कार्य को पेसमेकर यंत्र द्वारा एक लंबे समय तक चलाया जा सकता है। हृदय से रक्त का बहाव एक साथ 2 परिपथों से होकर गुजरता है। चित्र 6 में इन परिपथों को दर्शाया गया है। एक परिपथ ऐसा जिससे हृदय से शरीर की सभी कोशिकाओं तक और वहां से वापस हृदय तक रक्त का बहाव होता है। इसमें बाएं निलय के संकुचन से महाधमनी में से होकर ऑक्सीजन युक्त रक्त का बहाव कई अन्य धमनियों से शरीर के तमाम ऊतकों तक पहुंचता है। इससे आगे केशिकाओं के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक रक्त पहुंचता है। कोशिकाओं से ऑक्सीजन रहित रक्त अन्य केशिकाओं एवं शिराओं के द्वारा हृदय के दाहिनी आलिंद तक बहता है। दूसरे परिपथ में हृदय के दाएं निलय के संकुचन से फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों तक रक्त का बहाव होता है। रक्त की नलियों से बहते हुए रक्त का फेफड़ों में ऑक्सीकरण होता है। फुफ्फुस शिरा से ऑक्सीकृत रक्त हृदय के बाएं आलिंद तक बहता है। सामान्यतः हमारे शरीर की शिराओं में किस प्रकार का रक्त होता है? शिराओं से हमेशा अनऑक्सीकृत रक्त का बहाव नहीं होता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों नहीं? निलयों के संकुचन से उत्पन्न दाब से धमनियों में रक्त का बहाव बना रहता है। रक्त का दाब शिराओं तक बहुत कम हो जाता है। शिराओं के आसपास की मांसपेशियों में संकुचन और फैलाव से इनमें रक्त का बहाव बना रहता है। साथ ही शिराओं में वाल्व होते हैं जिससे उनमें रक्त का उल्टा प्रवाह नहीं होता। हमारा हृदय हमारी मुट्ठी के आकार का मांसपेशियों से बना एक अंग है। ये एक पंप की तरह काम करता है। इस पंप से रक्त सारे शरीर में पहुंचता है और लौटकर वापस आता है। जाते समय ये ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व लेकर जाता है और शरीर से वापस आते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आता है। ये आने जाने का चक्कर चलाने के लिए ही ये पंप धक धक करता रहता है। हृदय के 4 हिस्से होते हैं, 2 दाएं और 2 बाएं, या 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वालों को कहते हैं एट्रियम और नीचे वालों को वेंट्रिकल। तो ये हुआ बायां एट्रियम और ये दायां एट्रियम। तो नीचे वालों के नाम क्या होंगे? बिल्कुल सही, बायां वेंट्रिकल और दायां वेंट्रिकल। हृदय में रक्त लाने और बाहर ले जाने के लिए मानो पाइप या ट्यूब यानी नलिकाएं होती हैं, जिन्हें रक्त वहनियां कहते हैं।
यहाँ से शुरू होकर पूरे शरीर में रक्त की छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल सा बिछा रहता है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इन सारी नलिकाओं को जोड़ दो तो कुल लंबाई कितनी होगी? 1,00,000 किलोमीटर के करीब, यानी मुंबई से दिल्ली और वापस के 50 चक्करों के बराबर। यहाँ जो नीले ट्यूब दिखाए गए हैं वो बताते हैं कि इनमें अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध का मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है। और शरीर के ऊपरी हिस्से यानी सर और भुजाओं से रक्त यहाँ ऊपरी ट्यूब पर आता है और पेट, पांव इत्यादि निचले अंगों से इस निचली ट्यूब में आता है। दोनों मिलकर इस दाएं एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाला रक्त छोड़ते हैं। इस एट्रियम का सिर्फ नीचे की तरफ यानी सिर्फ एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। ऐसे और भी दरवाजे हैं, इन्हें वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व तभी खुलेगा जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलेगा, तब अशुद्ध रक्त यानी कम ऑक्सीजन वाला रक्त वेंट्रिकल में आ चुका होगा और उसके पीछे वाला वॉल्व बंद हो चुका होगा, यानी वो उल्टा नहीं खुलेगा। लेकिन वेंट्रिकल का ऊपर की तरफ खुलने वाला एक और दरवाजा है। जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तब जैसे एक पाउच को दबाने से अंदर का द्रव या पेस्ट बाहर निकलता है, वैसे ही यहाँ रक्त इन बाईं और दाईं ओर से नीली ट्यूब से बाहर चला जाएगा। लेकिन ये बाहर जाके आखिर जाएगा कहाँ? बाकी शरीर में नहीं बल्कि फेफड़ों में। एक नीली नलिका दाएं फेफड़े में रक्त ले जाएगी और दूसरी बाएं फेफड़े में। फेफड़ों में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जहां इस अशुद्ध रक्त की मुलाकात ऑक्सीजन से भरपूर हवा से होगी। ये वो हवा है जो हम जब सांस लेते हैं तब अंदर आती है। अब ये रक्त लाल हो जाएगा क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन आ चुका है। ये लाल रक्त फेफड़ों से एक बार फिर हृदय की तरफ जाएगा और हृदय में बाएं एट्रियम में अंदर आएगा। यहां पर भी एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। जब वेंट्रिकल फैलेगा तब यह शुद्ध लाल रक्त वेंट्रिकल में खींचा चला आएगा और जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तब यह ऊपर खुलने वाले वॉल्व से बाहर सिर, भुजाओं के लिए, पेट और पैरों की तरफ जाएगा। हृदय का सिकुड़ना और सामान्य हो जाना एक धक-धक यानी एक धड़कन बनाता है और ये धक-धक चलती रहती है। रक्त शरीर भर में पहुंचता रहता है और लौटकर वापस आता रहता है। फेफड़ों में जाता है, शुद्ध होता है और फिर चल पड़ता है शरीर भर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए। शरीर से वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जिसे छोड़ देता है फेफड़ों में। तो ये थी कहानी हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र की, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। क्या आप जानते हैं निलयों के संकुचन से उत्पन्न रक्त का निलयों के दीवार पर दाब एवं निलय के शिथिलन के समय के दाब को रक्तचाप के आंकड़े अर्थात 120/80 के रूप में दर्शाया जाता है। हृदय के धड़कने की आवाज़ निलयों के संकुचन के समय आलिंदों और निलयों के बीच के वाल्व बंद होने से तथा निलय के शिथिलन के समय निलय और धमनियों के बीच वाल्व बंद होने से होता है। दाएं आलिंद में रक्त कहाँ से आता है? दाएं निलय से रक्त कहाँ जाता है? रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? हमारे हृदय से रक्त धमनियों में से कई अंगों तक लगभग एक साथ समानांतर रूप में पहुँचता है। इससे सभी अंगों तक समान दर से रक्त का बहाव होता है। अंगों से हृदय तक शिराओं से भी रक्त का बहाव समानांतर होता है। कुछ अंगों एवं धमनियों और शिराओं के बीच रक्त का बहाव श्रेणी क्रम में होता है। इससे रक्त के बहाव पर प्रतिरोध ज़्यादा होता है और बहाव की गति धीमी हो जाती है। रक्त एक समान दर से कोशिकाओं तक नहीं पहुँचता। रक्त का बहाव धीरे होने से कोशिकाओं तक पदार्थ पहुँचने व उनसे अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होने में मदद मिलती है। अगर हृदय से रक्त श्रेणी क्रम में अंगों तक पहुँचता तो क्या होता?
आंतों से चलकर रक्त का यकृत लिवर में से होकर गुजरना भी श्रेणी क्रम में होता है। उसके बाद रक्त हृदय में पहुंचता है। जाहिर है कि पाचन क्रिया के चलते रक्त में ज़्यादा भोज्य पदार्थ या पोषक तत्व होते हैं। इनमें से कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी मात्रा रक्त में ज़्यादा हो तो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे कुछ पदार्थ जैसे अतिरिक्त शर्करा, वसा आदि रक्त से अलग होकर यकृत में संग्रहित हो जाते हैं। जब रक्त में इन पदार्थों की मात्रा मानक से कम हो जाती है तो यकृत से यह वापस रक्त में आ जाते हैं। इसके अलावा यकृत में कई विषैले पदार्थ भी हानि रहित पदार्थों में बदलते हैं और रक्त से इनका परिवहन होता है।